जी हाँ नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में जो है इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के रंग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। युवाओं को साधा, बुजुर्गों का सहारा, किसानों का ध्यान, गरीबों का मान, क्या बात है दोस्तों। दोस्तों 250 रुपया बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई गई है। आधे किराए में जो सफ़र करेंगे 60 वर्ष के बुजुर्ग, अब आधे किराए वाला जो कार्ड है फिर से बनेगा दोस्तों। और अब जितने भी 60 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं वह आपका आधे किराए में ही सफ़र होगा। हरियाणा के अंदर कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं तो आपका आधा किराया ही लगेगा, वो कार्ड बनने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों 65,000 नई नौकरियाँ निकलेंगी। 2750 रुपया बुढ़ापा बुजुर्गों को सहारा हो चुका है। और दोस्तों जो मुख्य अपडेटें हैं, यहाँ पर चिरायु का दायरा भी बढ़ाया गया है, क्योंकि चिरायु कार्ड आप सभी को पता है कि अब 3 लाख तक के जितने भी आय के परिवार हैं उन सभी को भी चिरायु कार्ड का फ़ायदा होने वाला है। तो बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों, सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्शन आने वाला है, ऊपर देखिए हरियाणा सरकार के बजट में चुनावी रंग नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोई नया कर नहीं लगाया है। दोस्तों यही अपडेट थी, वीडियो को शेयर कर देना। बाकी इन टॉपिकों पर अकेले अकेले वीडियो हम डालने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो भी योजना आने वाली है उन सभी के बारे में हम आपको बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लेटेस्ट अपडेट जो है धमाकेदार डालते ही रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।